हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है और ब्लड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्लड ब्लड क्या होता है। ब्लड जो है क्या, एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इसे फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते क्यों, हम जानते क्या है। फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, इसका भी निर्माण जो होता है वो मेसोडर्मल एम्ब्रियो की तरह ही होता है। और ये हमारे सभी ऑर्गेन को जोड़ता, जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। और ये क्या होता है, हमारे सारे ऑर्गेन से, सारे ऑर्गेन्स को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट किए हुए रहता है। इसलिए इसे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। और फ्लूड, क्योंकि ये फ्लूड है, ये क्या एक तरल पदार्थ है, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लूड बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग 5 से 6 लीटर होता है। ये ह्यूमन में जो ब्लड होता है और कितने होता है, इसका अमाउंट होता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ यानी हेल्दी पर्सन में जो ब्लड का जो मात्रा होता है ह्यूमन में, वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ब्लड का पीएच जो होता है वो क्या होता है, 7.3 से 7.4। ये आपके कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.3 से 7.4। इसीलिए क्या होता है, हल्का इसका टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है। क्या होता है, सॉल्टी होता है। और ये थोड़ा एल्कलाइन पीएच को इंडिकेट करता है। ब्लड हैवियर देन वाटर, ब्लड जो है क्यों, ब्लड जो है हैवियर देन वाटर होता है। और ये क्या होता है, ब्लड जो होता है वाटर से क्या होता है, थोड़ा वेटेज होता है, भारी होता है। हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ब्लड, ब्लड के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड करने के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड इज मेड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। अब ब्लड को हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का, ये जो होता है 50 से 60% होता है पूरे प्लाज्मा का। जो ब्लड जो होता है, ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। जो ब्लड प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का, ये 55 से 60% होता है। और ये जो होता है 40 से 45% के बीच होता है। अब हम जानते हैं क्या है ब्लड, अब हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। फिर ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये जो है, ये ब्लड प्लाज्मा के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ये भी क्या होता है, हल्का नमकीन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन क्षारीय होता है। ये फॉर्म्स 55 से 60% वॉल्यूम ऑफ ब्लड, टोटल ब्लड का ये कितना होता है परसेंटेज, 50 से 65% होता है। और इसी एग्जाम में, कंपनी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड में कितना होता है, 50 से 60% की पीच होता है। इसका जो होता है 91 से 92% वाटर कंटेंट क्यों रहता है। और मात्र जो होता है 8 से 9% इसका जो होता है वह सॉलिड पार्टिकल होता है। उस सॉलिड पार्टिकल में जो होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजन प्रोटीन नाम रहता है। अब ब्लड सेल, ब्लड सेल के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड सेल को मेनली 3 कैरेक्टर्स में डिफरेंस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब हम ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज, अब ब्लड सेल के फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ब्लड सेल होता क्या है। ब्लड सेल आल्सो नोन एज कॉर्पसल्स, ब्लड सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं। क्योंकि यह सॉलिड होता है, ब्लड मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सॉलिड पदार्थ को क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलते हैं। या फॉर्म्स ऑफ 40 से 45% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के आधार पर ये क्या होता है, 40 से 45% में टोटल ब्लड का होता है। ब्लड सेल आर 4 टाइप्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड स्पिंडल सेल्स। ये जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्पिंडल सेल में क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड रहता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आरबीसी, यह ब्लड का महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी। आरबीसी क्या, इसे हम, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये भी बोल सकते हैं इसको। अब हम ब्लड आरबीसी होता क्या, आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी ऑफ जितना भी वर्टिब्रेट्स होता है, सारे में जो आरबीसी प्रेजेंट रहता है वह न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन मैमल्स यानी हम लोग में जो आरबीसी होता हुआ क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल्स में जो मैमल्स होता है उसमें जो आरबीसी पाया जाता हुआ नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें क्या होता है, सेल्स नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल। कैमल इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लिएटेड पाया जाता है। नहीं तो जितना भी मैमल्स ऑन द अर्थ है सब पे क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड
आरबीसी पाया जाता है। इसका अब हम आरबीसी के शेप के बारे में, आरबीसी होता क्या, आरबीसी बाय कॉनकेव इन शेप, बाय कॉनकेव शेप की तरह होता है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जो का जो लाइफ स्पेन होता है वह कितना होता है, 120 दिन, 120 डेज होता है। एंड ये कहाँ पे फॉर्म होता है, आरबीसी बनता कहाँ पे, ये बॉन मैरो में बनता है। और अब यहाँ पे एक और बात जान लेना जरूरी होता है कि आरबीसी बनता तो बॉन मैरो में, लेकिन ये डिस्ट्रॉय मरता कहाँ है, जाके मरता है स्प्लीन में। कहाँ पे जाके मरता है, स्प्लीन में। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, स्प्लीन को बोला जाता है। और ये आरबीसी फॉर्म कहाँ होता है, बॉन मैरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीसी फॉर्म कहाँ पे होता है, बॉन मैरो में, और मरता कहाँ पे है, जाके स्प्लीन में। ये जो होता है टोटल, ये जो होता है 50,000 CU/mm की इसका अमाउंट होता है। अब बॉन मैरो इज द मेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब जो होता है, अब हम इंपॉर्टेंट बारे पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो है वह एक हीमोग्लोबिन इज ए फिल्ड विथ इन आरबीसी, क्या होता है, आरबीसी कॉन्टेंट की वे रहता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका कलर जो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसलिए इसे रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ड्यू टू आ हीमोग्लोबिन विच गिव्स द रेड कलर इट एंड एक्ट्स ए वेस्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ये क्या होता है, इसे वेस्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रदान करता है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन मेजर्ड या कैलकुलेटेड बाय साल्स हेमियोमीटर, सेलिस हेमियोमीटर के द्वारा इसका अमाउंट हीमोग्लोबिन का मेजर किया जाता है। अब हम जानते हैं क्या, जब हम हीमोग्लोबिन किसी भी व्यक्ति में, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा आरबीसी में कम हो जाता है तो उसे क्या हो जाता है, उसे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जिससे क्या होता है, आरबीसी की मात्रा जब हमारे शरीर में कम जाती है तो एनीमिया होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है जब हमारे आइज के चारों तरफ क्या डार्क सर्कल हो जाता है, तो ये एनीमिया को इंगित करता है। फंक्शन ऑफ आरबीसी, अब हम देख लेते हैं आरबीसी का रोल क्या है हमारे लाइफ में। आरबीसी के बारे में तो हम पढ़ लिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पे ये बनता है, कहाँ पे ये मरता है, अब इसका रोल क्या है हमारे लाइफ में, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हम जो सांस लेते हैं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारे शरीर में कैसे जाता है और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। हम जो सांस लेते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके कंबाइन कर लेता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, कंबाइन करके पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट कर देता है, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में इन द टिश्यू ऑक्सीहीमोग्लोबिन वाइडली गिव्स इनटू ऑक्सीजन। हमारे टिश्यू में भी कौन सा कौन पहुँचाता है ये ऑक्सीजन को, ये हीमोग्लोबिन ही पहुँचाता है। और हीमोग्लोबिन को कैरी कौन करता है, आरबीसी कैरी करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। अब ये क्या होता है, मेंटेनेंस की होता है पीएच ऑफ ब्लड। हम जो खाते हैं, जितना खट्टा कभी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन खा लेते हैं, क्षारीय पदार्थ खा लेते हैं, तो इसमें हमारे क्या होता है, ब्लड का तो पीएच कभी बढ़ जाना चाहिए। नींबू खा लेते हैं तो इससे ब्लड का क्या होता है, पीएच तो मान तो चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारे ब्लड का जो पीएच मान कंट्रोल करके रखता है यही आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, हमारे ब्लड के पीएच मान को कम करके रखता है, ना ही बढ़ने देता है और ना ही ये घटने देता है, ना ही ये अल्कलाइनी को बनाता है, ना ही ये एसिडिक बनाता है, और एक मेंटेन करके रखता है, जिससे हम क्या होता है, हमारा शरीर हेल्दी रहता है। एक और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट हो गया, आरबीसी ट्रांसपोर्टेड CO2। अब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन फिर तो निकालते हैं ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लाता है, यही आरबीसी ही इनका इंपॉर्टेंट रोल है। आरबीसी ही कैरी करके क्या लाता है, CO2 को भी लाता है। तीसरा आता है CO2 कंबाइंस विद पोटेशियम कार्बोनेट ऑफ आरबीसी फॉर्म पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब कार्बोनेट के रूप में ये क्या होता है, आरबीसी जो है ये क्या करता है, CO2 से पोटेशियम कार्बोनेट से कंबाइन करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर आ जाता है। अब हम ब्लड सेल्स के दूसरा मेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वो होता है WBC। WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पल्स भी इसको बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन है, इसे हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये इसका अब हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है, इसे ऑल्सो कॉल्ड है लीकोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, लीकोसाइट। आरबीसी को बोलते थे इरेथ्रोसाइट, लेकिन इसको बोलते हैं लीकोसाइट। लार्जर देन ये आरबीसी, ये क्या होता है, आरबीसी से लार्जर बड़ा होता है एंड कलरलेस। इससे क्या होता है, हम आरबीसी का कलर रेड होता है, लेकिन ये क्या होता है, कलरलेस होता है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, एबसेंट होता है। लेकिन WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इन ऑल ऑफ WBC, ऑल सभी WBC में प्रेजेंट रहता है। इन ब्लड टोटल ब्लड का ये 8,000 से 9,000 CU/mm होता है WBC प्रेजेंट
WBCR2 टाइप्स, WBC को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इस आधार पे इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट क्या होता है, जिसमें क्या होता है दानेदार, जिसके सेल्स में क्या होता है दानेदार न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उसे बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, और जिसमें नहीं प्रेजेंट रहता उसको बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट क्या ग्रैनुलोसाइट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, एजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एजिनोफिल क्या होता है, एजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारे जो है ये क्या होता है हमारे शरीर को क्या करता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये क्या हमारे शरीर को और जितना भी ये कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म थे सबको किल करके हमारे शरीर को क्या होता है सुरक्षित पहुंच करता है। मोनोसाइट ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लियेटर, इसमें दानेदार नहीं पाया जाता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मैक्रोफेज, ये सब क्या है ए ग्रैनुलोसाइट का एग्जाम्पल है। आप फंक्शंस ऑफ RBC देखते हैं, RBC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस सिस्टम, हैंस इज कॉल्ड सोल्डर्स ऑफ बॉडी, ये क्या डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करता है जर्म बैक्टीरिया वायरस से फाइट करके हमारे शरीर को क्या होता है हैवी बना और सुरक्षित बनाता है। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता क्या है, देयर आर फाउंड इन मेमल्स ओनली। ये जो प्लेटलेट्स होता है सिर्फ क्या होता है मेमल्स में ही पाया जाता है, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं और इसे दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। हम दूसरा नाम भी जानना जरूरी होता है किसी भी, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। देयर आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इस साइज इज इरेगुलर एंड ओवल शेप्ड होता है। ये क्या होता है इरेगुलर एंड ओवल शेप्ड होता है। नंबर इन क्या होता है 2 से 5 लाख CUMM। जब हमें डेंगू होता है क्या होता है इसी का प्लेटलेट्स का ही शरीर में क्या होता है मात्रा सबसे तेज़ी से घटने लगता है। इस प्लेटलेट्स का एक ना 2 से 5 लाख होता है। इसका मेन फंक्शन होता है जब भी हमारा शरीर में कुछ इंजरी आती है यानी कट फट जाता है तो ब्लड का जो सेक्रेशन होता है उसे रोकने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, प्लेटलेट्स। थैंक यू। अगर ब्लड से रिलेटेड आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है क्वेश्चन तो हमें कॉमेंट करें, हम उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।